Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ रमन शर्मा। एक बार फिर से लाया हूं आप सभी के लिए किडनी से जुड़ी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आप कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको किडनी से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आसानी से मिल सकती है। तो चलिए आज बात करते हैं किडनी पेशेंट को किस तरह की दाल का सेवन करना चाहिए। किडनी पेशेंट सही मात्रा में दाल ले सकते हैं, दाल के साथ पानी कम अमाउंट में लेना चाहिए, साथ ही जहां तक हो सके दाल थोड़ी गाढ़ी लेनी चाहिए। किडनी पेशेंट को दाल की मात्रा डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। दालों में से पोटेशियम कम करने के लिए उसे ज़्यादा पानी से धोने के बाद गर्म पानी में भिगोकर उस पानी को फेंक देना चाहिए। साथ ही ताज़े पानी में दाल को बनाएं और दाल चावल की जगह आप उनसे बनी खिचड़ी भी खा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें आपने सोडियम की क्वांटिटी लिमिटेड ही लेनी है। अब बात करते हैं किडनी पेशेंट कौन सी दाल खा सकते हैं। मूंग दाल, मूंग दाल की खिचड़ी खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, साथ ही किडनी डिजीज में या किसी और बीमारी के बाद बॉडी वीक हो जाती है। मूंग की दाल खाने से बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए किडनी के मरीजों के लिए मूंग की दाल सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। अरहर की दाल, अरहर की दाल कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, इसमें फाइबर होने के साथ साथ कम अमाउंट में प्रोटीन भी होता है। अरहर की दाल बॉडी की एनर्जी को बनाए रखती है, अरहर की दाल टेस्टी होने के साथ साथ स्टमक को भी हेल्दी रखती है। साथ ही किडनी पेशेंट ध्यान रखे कि कोई भी छिलके वाली दाल आपने नहीं खानी है। छिलके वाली दाल किडनी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। अब आपको बताते हैं कि किडनी पेशेंट को कौन कौन सी दाल नहीं खानी चाहिए। मलका मसूर की दाल, जिसको हम काली मसूर की दाल भी कहते हैं, इसमें फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किडनी पेशेंट इस दाल को नहीं खा सकते क्योंकि इसमें फाइबर लगभग 25% और आयरन 35% से ज़्यादा होता है। साथ ही इसमें पोटेशियम भी हाई मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे दिल की बीमारी और किडनी की बीमारी का कारण भी बन सकता है। लाल मसूर की दाल, 100 ग्राम लाल मसूर की दाल में 116 ग्राम कैलोरी होती है, इसमें 0.4 ग्राम फैट होता है, जिसमें सैचुरेटेड फैट 0.1 ग्राम, पॉली अनसैचुरेटेड फैट 0.2 ग्राम और मोनो अनसैचुरेटेड फैट 0.1 ग्राम होता है। ये नॉर्मल पर्सन को इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, पर अगर बात करें किडनी पेशेंट की तो लाल मसूर की दाल किडनी पेशेंट अवॉइड करें। चने की दाल, आयरन से भरपूर चने की दाल आपकी बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करती है और हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करती है, साथ ही डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। चने की दाल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये एक हेल्दी किडनी पर्सन के लिए तो अच्छी होती है, पर किडनी डिजीज़ वाले लोग इस दाल को नहीं खा सकते, या फिर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही इस दाल को कंज्यूम करें क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है। राजमा, राजमा को किडनी बीन्स कहा जाता है, जिसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज होते हैं। ये काफ़ी वेराइटीज़ में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लाल, काले, सफ़ेद, पतले और धारीदार राजमा। ये आपको हेल्दी बनाए रखता है और एंटीऑक्सीडेंट से लड़ने वाली कई बीमारियों को दूर रखता है। पर अगर बात करें किडनी पेशेंट की तो किडनी डिजीज़ के मरीजों के लिए राजमा अच्छे नहीं होते, इसलिए आप इसे अवॉइड करें। तो आज हमने आपको बताया किडनी पेशेंट कौन कौन सी दाल खा सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या किडनी की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदिक हर्ब से बनाई गई दवाइयों से इलाज किया जाता है। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर यह जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरीके से किडनी से रिलेटेड जानकारियां लेते रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।